नोएडा के सेक्टर 91 में हजारों पेड़ काटने पर लोगों के विरोध के बाद अब नोएडा अथॉरिटी ने सफाई देते हुए कहा है कि काटे गए पेड़ों के एवज में 5000 पेड़ लगाए जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 91 स्थित 75 एकड़ में फैली शहर की सबसे बड़ी ग्रीन बेल्ट पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने का फैसला नोएडा अथॉरिटी ले चुकी है। पिछले 3 महीने से यहां लगातार पेड़ काटे जा रहे थे। जब आसपास के लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। अब नोएडा अथॉरिटी ने अपनी सफाई में कहा है कि पेड़ काटने की वजह है इस जगह पर सबसे खूबसूरत पार्क बनाना। साथ ही अथॉरिटी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने काटे गए 2600 पेड़ों के एवज में 5000 कई अन्य तरह के पेड़ लगाए जाने का आश्वासन दिया है। हालांकि अथॉरिटी को सिर्फ यूकेलिप्टस के 3000 पेड़ों को काटना था। NCR में ग्राउंड वाटर के गिरते स्तर को देखते हुए ये फैसला किया गया था। उधर लोगों का आरोप है कि अथॉरिटी सिर्फ 2600 पेड़ों को काटने के आंकड़े बता रही है, जबकि काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या लगभग 4000 है और उनमें नीम, बबूल, आम, पीपल जैसे पेड़ भी काटे गए हैं। इस फॉरेस्ट में कुल पेड़ों की संख्या करीब 10000 से ज्यादा है। रिसेंटली वी कम टू नो दैट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैव गिवन परमिशन टू कट द यूकेलिप्टस ट्रीज ओनली, बट दे हैव स्टार्टेड कटिंग नीम, कीकर, बबूल एंड ऑल अदर फ्रूटफुल ट्रीज एंड वी हैव बीन इन्फॉर्मड अर्लियर दैट इन द प्लान दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू रिप्लेस इट विद न्यू फ्रूटफुल ट्रीज बट इट हैज़ नॉट डन सो फार। एक टाइम था जब यहाँ से वो जो बिल्डिंग्स उधर दिख रही है, मेट्रो लाइन है, वो बिल्कुल नहीं दिखती थी। अब ये सारे पेड़ काटे जा चुके हैं और ये दिन रात की एक्टिविटी है। पहले बाहर के पेड़ छोड़ के अंदर से काटे जा रहे थे और रात रात को यहाँ से ट्री के लॉग्स बाहर पहुँचाए जा रहे थे। अब सिर्फ इतना सा फॉरेस्ट बचा है, उसको भी काटने का प्लान है और अगर हम रोकेंगे नहीं तो ये पूरा खाली करके इसको पूरा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दे देंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। वहीं इस पूरे मामले पर ग्रीन कैंपेनर विक्रांत तोंगड़ का कहना है कि भारी मात्रा में पेड़ काटने से इसका असर आसपास के निवासियों के साथ साथ जंगल में रहने वाले पशु और पक्षियों पर भी पड़ा है। यहाँ अच्छा खासा फॉरेस्ट था एक, जहाँ बर्ड वॉचर्स बर्ड वॉचिंग के लिए आते थे, नीलगाय हैं, वाइल्ड लाइफ बर्ड्स हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ बहुत तेज़ी से रातों रात पेड़ काटे जा रहे हैं। 3000 से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं कि जबकि केवल 3000 पेड़ों के लिए ओनली यूकेलिप्टस के लिए परमिशन था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। यूकेलिप्टस के एवज में, यूकेलिप्टस के साथ साथ और भी बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं जो प्रतिबंधित हैं, जिनको नहीं काटा जाना चाहिए था। 75 एकड़ में फैले इस हरे भरे जंगल के अलावा नोएडा में 28 एकड़ में मेघदूत पार्क, 18 एकड़ में डी पार्क भी मौजूद है, जिन्हें पेड़ों का संरक्षण करके ही तैयार किया गया है। हालांकि 75 एकड़ की ग्रीन बेल्ट का इस्तेमाल करके 4322 ट्रेडिशनल पेड़, 19625 ऑर्नामेंटल पेड़ और 5000 मेडिसिनल पेड़ लगाकर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।